नो 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 मंथन, ये पेस्ट्री मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ, सिर्फ तुम खाओगे, तुम्हें मेरी का सुन। मंथन, ओ मंथन, ओ मंथन, 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 मंथन। क्यों? क्या हुआ? यस एजेंट, वैसे भी वो बहन जी किसी का खून नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि हत्यारा तुम चारों में से ही एक। सर, आप हमेशा सच के लिए केस लड़ते हो ना, तो हो सकता है इनकी दोस्त निर्दोष है, तो इनका केस भी ले लीजिए ना। प्यार के ही नाम पर प्यार का कत्ल आजकल के नौजवानों में कॉमन ट्रेंड चल रहा है। ये प्यार की तो जैसे डेफिनेशन ही चेंज कर दी हो इस नई पीढ़ी ने। क्यों वैशाली? नहीं सर, मैंने मंथन को नहीं मारा। मुझे नहीं पता सर, उसकी पेस्ट्री में जहर कैसे आया, मैं सच में नहीं जानती कुछ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। झूठ, झूठ बोल रही हो तुम। तुम चाहे बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, सच को छुपा नहीं पाओगी। कुछ अलग दृष्टि बिंदु भी तो हो सकता है ना पांडे। मंथन और वैशाली के बीच में एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं था, ये अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है। और उसी अविश्वास के चलते दोनों में बहुत झगड़े हुआ करते थे। वैशाली ने मंथन के जन्मदिन पर उसे पेस्ट्री में जहर मिलाकर खिला दिया, वो जहर की वजह से मंथन की मौत हुई है। मेरा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही तुमने वैशाली को गुनेगार घोषित कर दिया, ऐसा कैसे चले? मैंने नहीं, सारे सबूत वैशाली को गुनेगार साबित कर दे। मैं किसी भी गुनेगार को पकड़ता हूँ पर तू आ जाता है उसे बचाने के लिए। आखिरी दो बार भी यही हुआ था। कमाल करते हो पांडे, लेकिन आखिरी दो बार से सत्य को उजागर करके मैंने किसी निर्दोष को सजा होने से बचाया भी तो है। मैं यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ, तेजस यहाँ आओ। यस। तुम मंथन के दोस्त थे, मतलब मंथन को अच्छी तरह से जानते थे? वैशाली और मंथन के बीच में कैसा रिश्ता था? सर, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और प्यार भी। जिस दिन मंथन की मौत हुई उस दिन क्या हुआ था? उस दिन सर मंथन का जन्मदिन। सर मंथन बहुत ही रोमांटिक इंसान है और वो पता नहीं क्यों सर बार बार वैशाली के करीब जाने के बस मौके ही ढूंढता रहता है। और उस दिन सेम पेस्ट्री एक साथ खाने वाली बात, मतलब कि जब बस टनल से जा रही थी तब वैशाली ने मंथन को पेस्ट्री खिला रही थी और बस टनल से बाहर आते ही मंथन की मौत हो गई। Am I right? Yes, sir. तो जहर वाली पेस्ट्री वैशाली ने मंथन को खिलाई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि मंथन की मौत खाने में जहर की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहता है कि मंथन की बॉडी में जो जहर मिला है वही जहर उस पेस्ट्री में भी था जो वैशाली ने मंथन को खिलाई थी। नो सर, मैं मानता हूँ कि मंथन की मौत उस पेस्ट्री से हुई जो पेस्ट्री वैशाली ने उसको खिलाई थी, पर वैशाली किसी का खून नहीं कर सकती सर, और खास करके मंथन का तो बिल्कुल ही नहीं। तेजस, तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? वो सर, ये सब क्या है जी? आकलन करने की कोशिश कर रहा हूं पांडे,
खाने में जहर देने के अलावा और कितने तरीके हो सकते हैं किसी को जहर देने? मतलब एक मिनट पांडे, हेलो डॉक्टर गढ़वी, डिटेक्टिव एजे बोल रहा हूँ। डॉक्टर गढ़वी बोलिए। डिटेक्टिव एजे बोलिए, आपसे बात हो पाएगी सर? जी, मुझे ये जानना था कि किसी को भी खाने में जहर दिया जाए तो उसके शरीर का कौन सा अंग नीला पड़ जाता? ये क्या है एजे, कॉमन सेंस है, पूरा अंग नीला पड़ जाएगा। मेरी प्रश्नावली तो पूरी होने दे पांडे। जी डॉक्टर गढ़वी, जैसे इंस्पेक्टर पांडे ने बताया, पूरा शरीर नीला हो जाता है। जी, क्योंकि खाना हमारे गले से जाता है तो सबसे पहला असर गले एंड चेस्ट पे आता है जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि क्या मंथन के केस में भी यही हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था जी। मंथन के केस में मंथन का नाक एंड अपर लिप्स वाला एरिया ज्यादा नीला हो गया। नहीं, अगर खाने में जहर मिला के खिलाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गढ़वी, थैंक यू। ओके बाय अजय। एजे, तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये यो-यो टॉय मेरी सहयोगी फ्रेया को बस में से मिला, और मेरे अनुमान से इस यो-यो टॉय ही वो माध्यम है जिससे मंथन को जहर दिया गया। फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी ये कहती है कि पेस्ट्री में जो जहर पाया गया वो ही जहर और पेस्ट्री दोनों के अंश इस टॉय के ऊपर पाए गए। तो तेजस, अब तुम बताओगे कि तुम्हारे पास क्या जानकारी है इस यो-यो टॉय के बारे में। Does this toy belong to you or not? ये यो-यो टॉय तुम्हारा है या नहीं? क्या इस यो-यो टॉय के माध्यम से तुमने मंथन को मारने की कोशिश की थी या नहीं? अब तुम बताओगे या फिर तुम्हारे दोस्तों से पूछो कि ये यो-यो टॉय तुम्हारा था या नहीं? बोलो तेजस। हाँ हाँ, ये बॉल मेरी है। और मैंने ही इससे मंथन को मारा। लेकिन सर, मैंने इस बॉल पर कोई जहर वहर नहीं लगाया था। आई स्वेयर सर, सर मेरा विश्वास कीजिए। सर, मैं और वैशाली बचपन के दोस्त हैं, और मैं वैशाली को बचपन से चाहता था, और चाहता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर, उसको मंथन पसंद आया। लेकिन सर, मुझे सच में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस अगर तकलीफ थी तो एक चीज से, कि मंथन वैशाली की बिल्कुल कदर नहीं करता। वर्षा सर आए दिन वैशाली की बेइज्जती करती थी, लेकिन नहीं, वैशाली तो मंथन के प्यार में पागल हो चुकी थी सर, अंधी हो चुकी थी, और वो मंथन के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। और सर, तब से मैंने सोच लिया था कि मैं मंथन और वैशाली के बीच में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब मंथन ने वैशाली को सेम पेस्ट्री एक साथ खाने के लिए ऑफर की तो सर मुझसे रहा नहीं गया,
और टनल के अंधेरे का फायदा उठाते हुए सर मैंने उन लोग के ये खूबसूरत पल को बिगाड़ने का पूरे पूरी कोशिश की थी, पर सर मैंने इस यो-यो बॉल पे कोई जहर नहीं लगाया था। प्लीज सर, सर मेरा विश्वास करें, मुझे सच में नहीं पता। एजे, फॉरेंसिक रिपोर्ट यह भी कहती है कि उस बॉल पे कम मात्रा में जहर था जिससे किसी की जान नहीं जा सकती है। तुम बैठ जाओ। वर्षा, तेजस ने अभी अभी कहा कि तुम बार बार वैशाली का अपमान करते हो, क्या ये बात सच है? ये बात सच है कि मैं वैशाली को पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं मंथन से प्यार करती थी। सर, सर वैशाली मंथन के लायक ही नहीं थी। मैंने उसे बहुत बार बताने की कोशिश की पर बता दें उसको इस वैशाली में क्या ऐसा दिखाई दिया कि उसको इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। वर्षा जी, मुझे एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति को आप इतनी घृणा करते उसी को बचाने का अनुरोध लेकर आप मेरे पास आए, थोड़ी सी विचित्र सी बात है, नहीं? नफरत अपनी जगह है और ह्यूमैनिटी अपनी जगह। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन सच सच बताइएगा कि आप सिर्फ ये इंसानियत या ह्यूमैनिटी के लिए ही आप यहां पे आई हैं, या फिर सच में आपका उद्देश्य कुछ और ही था? पर आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, मुझे ये बताइए वर्षा जी, आप कॉलेज में क्या पढ़ती है? सर, आर्ट्स। लेकिन आपके जो लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स हमारे पास है उसके अनुसार पिछले कुछ महीनों से आपने फूड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बुक्स लाइब्रेरी से ली, ऐसा क्यों? आप क्या कहना चाहते हैं? इससे तो आपको पूरी जानकारी होगी वर्षा जी कि किस खाने में किस पदार्थ को कितनी मात्रा में मिलाने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। मतलब ये कि इतिहास और राजनीति आपका सब्जेक्ट था और पिछले कुछ महीनों से आप फूड टेक्नोलॉजी की इतनी सारी किताबें पढ़ रही। सर, ऐसा कहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति आर्ट्स पढ़ता है उसे सिर्फ इतिहास और राजनीति ही पढ़ना चाहिए? क्या वो फूड टेक्नोलॉजी की किताबें नहीं पढ़ सकता? बात तो सही है, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, लेकिन ये संशय तो पैदा करता। और दूसरी एक बात, इसी साल आपने एक ब्यूटी कॉम्पिटिशन भी जीती, सही है? यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अच्छा होता कि उसके बाद मंथन ने सबके सामने आपको थप्पड़ नहीं मारा।